Okay, here is a sample question to find the acceleration is a ball hits a wall horizontally at a speed of at a velocity of 6 meter per second. मतलब initial velocity जो ball की आप u मान लीजिए and this is equal to 6 meter per second and rebound horizontally at 4.4 meter per second. अब ये देखिए यहाँ से जाने के बाद ये वापस लौट करके आती है with a speed of 4.4. तो अगर मैं 6 को plus में लेता हूँ तो मुझे 4.4 को minus में लेना पड़ेगा because velocity दोनों के different direction में है. एक forward है और एक backward है. So if we consider the u is 6 meter per second square, then this v will be minus 4.4. Okay. ये हो गया. अब आपको कह रहा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन. अगर कह रहा है कि इसमें जो बॉल पर कांटेक्ट हुआ है 0.040 सेकंड, सो एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. चेंज इन वेलोसिटी कितना है, माइनस 4.4 और माइनस का 6, और चेंज इन टाइम जो आपके पास में वो कितना है 0.040. ओके, तो ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस 10.4 और मल्टीप्लाई बाई 0.040 को ब्रेक करके 1000 कर लिया. सो 10.4 मल्टीप्लाई बाई 1000 ओके डिवाइड बाई 40 हो गया. सो जीरो से जीरो कैंसिल हो गए और चार से मैंने 100 को काट दिया, कितने बार, 25 बार. सो आंसर इज 10.4 माइनस का मल्टीप्लाई बाई 20. तो करेक्ट आंसर इसका बनेगा माइनस 260 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. ओके एंड यहाँ पर ये माइनस साइन आ रहा, सो इट विल बी टाइप ऑफ रिटार्डेशन. यहाँ पर जो बॉल होगी वो रिटार्ड हो जाएगी और वैसे भी दिख रही कि बॉल की स्पीड लगातार कम हो रही है, पहले ज़्यादा थी पहले कम थी. तो एक्सेलेरेशन है और निगेटिव में आ रहा, तो इट विल बी अ टाइप ऑफ रिटार्डेशन. सो करेक्ट आंसर इक्वल टू माइनस 260 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. थैंक यू सो मच फॉर बींग विद लोकेश सर.